हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं अभी दशाश्वमेध रोड पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आगे मैं जा रहा हूं दशाश्वमेध घाट के पास। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दशाश्वमेध की एक बहुत ही फेमस जो गंगा माता की आरती होती है, आज मैं आपको वो गंगा माता की आरती दिखाने जा रहा हूँ। और ये है रास्ता घाट जाने का, तो मैं आपको ले चलता हूँ। और आज के इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको दशाश्वमेध घाट की जो फेमस वाराणसी की आरती होती है, जो कि बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं दशाश्वमेध घाट पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे वैसे उतनी भीड़ तो नहीं है। और 5 बजे, हालांकि जो आरती होने का टाइम होता है वो 6:30 यानी कि 6:30 बजे से होगा। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है अभी। यहाँ पे वैसे भी आरती की तैयारी हो रही है और यहाँ पे लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, और ये आरती देखने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको हम और आगे ले चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे घाट की जो तैयारी हो रही है वो कैसी हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी वैसे घाट की आरती तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, 6:30 बजे होगी अभी। अप्रॉक्स 1.5 घंटे बाकी हैं आरती को स्टार्ट होने में, तो तब तक हम लोग ऐसे यहीं पे घूमते हैं। और जब आरती होगी तो मैं कुछ वीडियो शूट करूंगा और मैं आपको पूरा एक एक मोमेंट वहां का जब से दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं आरती गंगा माता की, और ऑलमोस्ट लाइट वाइट अंधेरा हो चुका है, लाइट्स भी हर जगह की ऑन हो चुकी है। और भीड़ भी देख रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ की जो भीड़ें हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है यहाँ पर। मूकं करोति वाचा तंगुं
और यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आए थे ये आरती को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे दूसरे नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।